हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WsCube Tech। आज हम देखेंगे वर्डप्रेस में थीम को कैसे सेटअप करते हैं, क्या आप थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे एक्टिव करेंगे और कैसे आप थीम पे काम करते हैं, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। देखिए थीम होता क्या है, एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए वर्डप्रेस के अंदर। देखिए थीम होता है, थीम आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए आपको वेबसाइट कैसी बनानी है, तो उस कैसी बनाने का मतलब जैसे यूजर आपकी वेबसाइट को देख रहा है और वो यूजर आपके क्या कर रहा है, वेबसाइट के डिजाइन को देख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। अब देखिए वर्डप्रेस आपको फ्री थीम्स देता है, उन थीम्स को कैसे आप इंस्टॉल करते हैं, कैसे एक्टिव करते हैं, वो हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। और एक्टिव करने के बाद आप फ्रंट एंड में जाके उसका आउटपुट देखेंगे तो वो कैसे चेंज होता है, पूरा प्रोसेस ये देखेंगे। देखिए वर्डप्रेस डिफॉल्ट में तीन बेसिक थीम आपको दे देता है। तीन बेसिक थीम कौन कौन सी होती है, 20, 90, 20, 16, ये पूरा आपको वो देगा। और डिफॉल्ट में एक एक्टिव करके भी देगा, मतलब एक बेसिक सा डिजाइन देता है। देखिए हमने जो इंस्टॉल किया था उसको हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम है, जो वर्डप्रेस डिफॉल्ट में क्या करता है, एक्टिव करके देता है। ये आपकी वेबसाइट का डिजाइन है। अब मान लीजिए डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करना है, इधर कुछ और चाहिए लेफ्ट में और राइट में, इस टाइप का आप थीम क्या कर सकते हैं, देख के इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं। और जब आप इंस्टॉल करके एक्टिव करेंगे तो आपके वेबसाइट का डिजाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे जैसे डेटा डालेंगे, जैसे ही वो थीम दिख रही है, उस टाइप का आपका डेटा उसमें जाके क्या होने लगेगा, एडजस्ट होने लगेगा। तो थीम इंस्टॉल्ड कैसे होती है, एक्टिव कैसे होती है, उसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए थीम के लिए आपको कहां पे जाना है, डैशबोर्ड में जाना है। और डैशबोर्ड का URL क्या था, लोकल होस्ट, आपके प्रोजेक्ट का नाम मतलब आपके फोल्डर का नाम, /wp-admin। और जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला होगा उसको आप फिल करके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे बटन पे तो आपके सामने एक क्या खुल जाएगा, डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब देखिए डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम, अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट, इन सारे ऑप्शंस पे हम एक एक करके काम करेंगे। मगर जो आज हमारा प्रोसेस है वो क्या है, थीम को इंस्टॉल करना। तो देखिए थीम का ऑप्शन कहां पे आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप जाएंगे अपीयरेंस के अंदर थीम में, यहां पे जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहा है एड न्यू का, यहां पे देखिए ऊपर। मगर यहां पे देखिए तीन, मैंने कहा था ना डिफॉल्ट थीम देता है वो 20, 90, 20, 17 और 20, 16, और उसमें से जो एक्टिव थीम है वो क्या है, 2019 है। मगर अपने को तो डिजाइन क्या करना है, वेबसाइट का अलग करके फिर अपने वेबसाइट को क्या करना है, डायनेमिक करना है, ब्लॉगिंग का काम करना है, पेजेस क्रिएट करने, ये सारा काम हम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एड न्यू पे क्लिक करते हैं। एड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फीचर्ड, पॉपुलर, लेटेस्ट और फेवरेट। आप इनमें जाके देखिए थीम ले सकते हैं। डिफॉल्ट में देखिए यहाँ भी थीम आपको दिखनी चालू हो गई होंगी। आप कोई सी भी थीम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड और प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप प्रीव्यू देख लीजिए कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी बनने के बाद। तो ये आपको प्रीव्यू भी दिखा देता है कि प्रीव्यू बनने के बाद कैसे दिखेगी, मगर वो आपको फिगर से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे वो इमेज दिखा रहा है कि इस टाइप का आपका डिजाइन क्या होगा, वेबसाइट का बनेगा। मगर ये ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी आप इस थीम का काम करते हैं तो आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो थीम लेके आ रहा है वो कहां से लेके आ रहा है, नेट से लेके आ रहा है। और वो जिस साइट से लेके आ रहा है उसका नाम है wordpress.org, वहां से ये थीम को क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। अब देखिए या तो आप यहाँ पे जाके ले लीजिए, या आप गूगल पे जाके भी थीम सर्च करके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको थीम को इंस्टॉल करना और एक्टिव करना बताऊंगा। एक तो ये हो गया कि डैशबोर्ड के अंदर से आप थीम इंस्टॉल और एक्टिव कैसे करते हैं, दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि आप डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं यहाँ पे पॉपुलर पे, पॉपुलर पे जाके कोई सी भी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई सी भी जो अपने को ब्लॉगिंग टाइप की थीम दिख रही है। देखिए मैं यहाँ पे मैम करके एक थीम है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल्ड करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल्ड कर लेंगे यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। और एक्टिव करने के बाद होगा क्या, जहां पे आपको तीन थीम दिख रही थी अपने उस प्रोसेस के अंदर, वहां पे कितनी थीम दिख जाएंगी, चार दिख जाएंगी। थीम वाला जो पैनल था उसमें कितनी थीम दिख रही थी आपको, तीन, वहां पे कितनी दिख जाएंगी आपको, चार दिख जाएंगी। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्टिव करूंगा। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इसका। अब आप यहां से क्या करिए, एक्टिव कर लीजिए। देखिए एक्टिव करने के बाद मैं आपको बता देता हूं, एक्टिव करने के बाद ये क्या होगा, आपके फोल्डर में चला जाता है जहां पे आपने वर्डप्रेस का फोल्डर बनाया था, जहां पे आपने क्या किया था, प्रोजेक्ट का नाम दिया था STDocs के अंदर, वहां पे ये चला गया है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये फोल्डर पड़ा होगा, जिस नाम की भी थीम होगी वो चला गया होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फोल्डर कहां पे बना होगा जो आपने थीम को एक्टिव किया होगा। मगर देखिए आपकी थीम एक्टिव हो गई है बैम्प नाम की।
अब आप जाके अपने वेबसाइट को, वेबसाइट का यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट जो आपने फोल्डर का नाम बनाया था वो है, जाके आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए आपके सामने डिजाइन चेंज दिख रहा है, यहाँ पे डेटा नहीं है, डेटा तो हम लेके आएंगे जब डेटा वाला काम करेंगे, हम ब्लॉगिंग का पेजेस का वो सारा काम करेंगे तो इसमें डेटा आना भी चालू हो जाएगा। अभी हमारा प्रोसेस क्या था कि हम थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं और एक्टिव कैसे करते हैं, तो ये हमने थीम को एक्टिव किया और चेक किया कि कैसे हमारा डिजाइन आता है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये गया कहां पे होगा, मतलब इसका फोल्डर जो बना होगा वो कहां पे बना होगा। आप जाएंगे एसटी डॉक्स के अंदर, देखिए एसटी डॉक्स में गया, मैंने जो फोल्डर का नाम दिया था वो क्या था, WsCubeTech, मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वो WsCubeTech है। WsCubeTech में जाके आप जाएंगे यहां पे WP कंटेंट के अंदर, और WP कंटेंट के बाद आप कहां पे जाएंगे, थीम में जाएंगे, और थीम में यहां पे नोटिस करिए एक फोल्डर बन गया है बैम्प नाम का, ये आपके थीम का फोल्डर है। अब देखिए, अब आपको नेट की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे थीम का फोल्डर आ गया है, अब आप नेट को अगर बंद भी कर देंगे तब भी आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट चलेगा और ये थीम आपके पास रहेगी। फर्स्ट टाइम आपको थीम को इंस्टॉल और एक्टिव करने के लिए क्या जरूरत है, नेट की जरूरत है, उसके बाद अभी नेट की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे डेटा ऐड करेंगे वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं नेट को बंद करके एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, और देखिए रिफ्रेश करता हूँ, आपके लोकल सिस्टम पे ही आपकी थीम पड़ी हुई है। तो ये हमारा क्या प्रोसेस था कि थीम को हम डैशबोर्ड के अंदर से कैसे इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप थीम को सर्च करके कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्च करके थीम को देखना। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, नया टैब ओपन करना है, गूगल पे जाके आपको लिख देना है, wordpress.org पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको थीम दिख जाएंगी। देखिए थीम ऊपर ही दिख रहा है, यहाँ पे थीम पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे वही थीम दिख रही है जो आपके डैशबोर्ड में अंदर से दिख रही है। मगर होता क्या है कि कभी कभी हम जब थीम को लोकल पे इंस्टॉल करते हैं तो वो फेल हो जाता है, तो हम इस प्रोसेस जब इंस्टॉल करेंगे तो वो फेल नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी मैं थीम ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये है न्यूज जैम करके, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। देखिए डाउनलोड हो गया, मैं यहाँ पे जाता हूँ सो डाउनलोड्स में, जो मैंने थीम डाउनलोड की है, देखिए ये मेरी थीम, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी करके आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको जाना है डी ड्राइव में, जैम के अंदर एसटी डॉक्स में जाना है, अपने फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपका वर्डप्रेस है, WP कंटेंट है, थीम है, और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए इसको। ये वो प्रोसेस है जब आपका मान लीजिए नेट स्लो है तो वो डैशबोर्ड से अंदर वो क्या कर सकता है, इंस्टॉल करने में फेल हो जाता है। तो उसका सेकेंडरी प्रोसेस है कि आप कैसे उसको दोबारा से इंस्टॉल कर पाएंगे, और यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब आपने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया है, तो इसको यहां से डिलीट कर दीजिए। देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये न्यूज जैम नाम का फोल्डर बन गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए एक बार, देखिए रिफ्रेश करने के बाद आप नोटिस करिए यहाँ पे वो थीम आ चुकी है जो हमने डाउनलोड करके क्या की थी, उस फोल्डर में रखी थी WP कंटेंट थीम के अंदर, और आप यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करते ही आपका डिजाइन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जैसा ये दिख रहा है। तो हमने दोनों प्रोसेस से देखा, पहला प्रोसेस डैशबोर्ड के अंदर से थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, और दूसरा प्रोसेस डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करके आप एक्टिव कैसे करते हैं। जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे, आप अपने वेबसाइट को जाके देखेंगे रिफ्रेश करके, तो वो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।